बैक लास्ट सेशन में लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सीटी ओपन नहीं होना चाहिए और सीटी सर्किट के अंदर सीटी शॉर्टिंग ग्राउंडिंग एंड आइसोलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आप ये देख सकते हैं पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं कि सीटी बर्न हो रहा है। दिस बर्निंग वाज मेन द रीजन वाज बेसिकली द सीटी ओपनिंग। तो इस केस में सीटी ओपन हो गया और हाई लोड फ्लो कर रहा था, उसकी वजह से सीटी डैमेज हो गया है। तो एक्सट्रीम प्रिकॉशन हमें अपनी चाहिए कि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है हमें उसे बहुत ही एहतियात से सर्किट को डील करना है, बहुत केयरफुली डील करना है सीटी सर्किट को। अच्छा, हम अब देखेंगे कि सीटी की जो फैसिलिटी है शॉर्टिंग की एंड ग्राउंडिंग की वो किस तरह से है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये लिंक है, ये एक लिंक है, टर्मिनल ब्लॉक है जिसके अंदर आप ये सेंटर में देख सकते हैं कि ये स्लाइडिंग लिंक है। बेसिकली आप इसको मूव कर सकते हैं। अब देखिए ये स्लाइडिंग लिंक इस वक्त क्लोज पोजीशन में, इसको आप मूव करेंगे इस डायरेक्शन में और इसको स्क्रू को टाइट करेंगे अच्छे तरीके से तो ये लिंक क्लोज हो जाएगा और आप जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी मिलेगी बिटवीन दिस लिंक एंड दिस लिंक। तो ये स्लाइडिंग लिंक है, आपको स्लाइड इन करना है, क्लोज करना है, उसके बाद उसको स्क्रू से टाइट भी करना है। खाली स्लाइड करने से काम नहीं चलेगा, टाइट भी करना है। तो सीटी सर्किट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सीटी सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीटी आपका सर्किट टाइट हो, कोई लूजिंग ना हो वायर में या टर्मिनल में, कोई लूज वायर या लूजिंग नहीं होनी चाहिए। लूजिंग जो है बेसिकली हाई बर्डन क्रिएट करेगी, स्पार्किंग क्रिएट करेगी। वो कंडीशन है जस्ट लाइक नियर टू सीटी ओपन कंडीशन, व्हिच इज आल्सो हैजार्डियस। अब ये देखिए, ये लिंक को आपने अगर आइसोलेट करना हो तो आप इसको इस लेफ्ट साइड पे मूव किया और फिर दोबारा आपने टाइट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो ये आपका लिंक जो है ओपन पोजीशन में आ गया। तो ये सीटी लिंक्स कहलाते हैं और ये बेसिकली प्रोवाइड किए जाते हैं सीटी सर्किट में। हम देखेंगे फर्दर कि ये किस तरीके से काम करते हैं। सो प्रायर टू नेटलाइजेशन इट नीड टू चेक द सीटी आइसोलेशन लिंक पोजिशन एंड आइसोलेशन लिंक मस्ट बी इन क्लोज पोजिशन। फर्दर चेक द टाइटनेस ऑफ द टर्मिनल एज वेल बिकॉज समटाइम लिंक मे बी इन द क्लोज पोजिशन बट स्क्रूज माई नॉट बी टाइट, दैट विल ऑल्सो क्रिएट द ओपन सीटी कंडीशन। सो जब भी आप एनर्जाइज करने जाएंगे किसी भी पैनल को तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो सीटी हैं वो स्लाइड लिंक है वो क्लोज पोजीशन में हो, और ना सिर्फ क्लोज पोजीशन में हो बल्कि आप उसके स्क्रूज को भी टाइट करें। इनफैक्ट जितना भी कंप्लीट सीटी सर्किट है उसको आप जितने भी स्क्रूज हैं उसको आप विजुअल इंस्पेक्शन भी करें और उसकी आप बाय हैंड टाइटनेस भी चेक करें टर्मिनल्स की कि वो प्रॉपरली टाइट हैं या नहीं। ये सीटी शॉर्टिंग लिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये बेसिकली स्लाइडिंग लिंक ये है। आप ये देख सकते हैं ये स्लाइडिंग लिंक है और ये शॉर्टिंग लिंक है। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि शॉर्टिंग लिंक इन हुआ हुआ है और उसको हमने टाइट भी किया हुआ है, और ये अगर सेपरेटली शॉर्टिंग लिंक को आप देखें तो इस कंडीशन में आपको नज़र आएगा। ड्राइंग में अगर आप देखें तो ये सीटी शॉर्टिंग लिंक इस तरीके से उन्होंने शो किया गया, 1 2 3, एंड ये इसकी अर्थिंग कनेक्ट हुई हुई है, और आइसोलेशन लिंक हेयर आप ये देख सकते हैं यहाँ शो किया गया 1 2 3 4। तो आप इसको चाहें तो ओपन कर दें, ऑप्शन है इसमें ओपन करने का, इसको आपने ओपन किया हुआ है यहाँ फॉर एग्जाम्पल, और चाहे तो इस लिंक को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर बिफोर एनालाइजेशन ये लिंक्स आइसोलेशन लिंक्स क्लोज पोजीशन में होनी चाहिए। और अगर आपने इसको हम कॉम भी कह सकते हैं, कॉम या फिर शॉर्टिंग लिंक, ये अगर आपने रिमूव नहीं किया तो फिर क्या होगा कि करंट सीटी से निकलेगा, इस लिंक के थ्रू वापस चला जाएगा, ठीक है, वो रिले में फ्लो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है कि आपने बिफोर कमीशनिंग ये जो लिंक्स हैं आइसोलेटिंग लिंक्स हैं इनको क्लोज करना है, और जो शॉर्टिंग कॉम है या फिर आपका शॉर्टिंग स्ट्रिप है या शॉर्टिंग आप देख रहे हैं फैसिलिटी है उसको डिसकनेक्ट करना है फ्रॉम द टर्मिनल्स। सो ये दो काम हमें करने होंगे बिफोर एनर्जाइजेशन। अब आप देख सकते हैं एक और सर्किट है, इसके अंदर हमने शो किया गया है अगेन दिस इज द सीटी, और ये देखें इस टर्मिनल ब्लॉक से गुजर रहा है, ये आपके आइसोलेटिंग लिंक्स हैं और ये आपके शॉर्टिंग लिंक्स हैं।
अब हम एक इसकी वीडियो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये फैसिलिटी ऑपरेट की जाती है और कैसे इसको हमने यूज करना है इस फैसिलिटी को। ये बेसिकली वेंडर की तरफ से प्रोवाइड की गई है। सो ये जो लिंक है बेसिकली ये इंस्टॉल्ड है हमारे So this is आप how मिलेगा आपको। the terminals will be fitted during the unit will be sent to the customer. This is the relay side and this is ये the रिले current साइड है transformer side. और ये तो करंट So ट्रांसफार्मर current साइड है इस transformer तरफ। side is all four poles are shorted, RYB phases and neutrals are shorted and all three phases and neutrals are connected. Now, for normal operation, these four sliders will remain in connected position, and customer has to be for charging. They have to isolate the shorting link. So all three phases and neutral will be connected to the relay from the CT as per normal for normal operation. During secondary injection, first the slider has to be put back for shorting position, and then these three phases should be removed from the position. Like, so if we remove these three sliders, then these three terminals are now open from the relay side is isolated from the CT, and neutral and hot path from the CT side are shorted together. So that's how this slider will act as a shorting link on the CT side. However, secondary injection can done from the relay side. Once the secondary injection is done, then this can be put back in position first. And then before charging the unit, we have to remove back the slider. So now all three phases and neutrals are open and CT is connected to the relay. सो ये बेसिकली दिखाया गया है कि ये टर्मिनल ब्लॉक हमारे पास रिलेज जो स्विच गियर्स हैं RMUs हैं आपको इसमें नज़र आ सकते हैं। और ये फैसिलिटी है बेसिकली कि आपको इस फैसिलिटी के तहत अगर आपने काम करना है इंजेक्शन करनी है और तो आप बेसिकली पहले इस शॉर्टिंग लिंक को इन करेंगे CTs को शॉर्ट करेंगे उसके बाद सर्किट को सीटी को आइसोलेट करेंगे और यहाँ पर आप इंजेक्ट कर सकते हैं रिलेज के अंदर और अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। और फिर रिस्टोरेशन में पहले आप इन स्लाइडिंग लिंक्स को इन करेंगे चारों को टाइट करेंगे उसके बाद इस शॉर्टिंग लिंक को आप ओपन करेंगे। सो ये बेसिकली एक फैसिलिटी है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं फील्ड में। थैंक यू वेरी मच।